army man, a good military leader, hopes for the best but caters for the worst. The ceasefire holds, and the environment over there is conducive for the development on both sides and the aspirations of the locals, because large amount of locals in those areas are subjected to a lot of inconvenience, and ceasefire is one thing which looks after their aspirations. There are people on both sides of the LC who suffer, and we'll see how this moves ahead. At the moment, I am quite positive that the first meeting that has taken place, we are going to be having meetings of the two brigade commanders. The dates for this have not been fixed. The DGMOs are meeting on regular basis, in the sense on the sense of they're speaking to each other on the hotline on regular basis, and we are hopeful that this will result in ensuring ceasefire along the LC. हमारी जो सेना है ये जिनीवा कन्वेंशन की इज्जत करती है, जो इंटरनेशनल लॉज हैं वॉर फाइटिंग के उनकी इज्जत करती है. हम जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो ह्यूमन डिसेंसी है, जो जो ह्यूमन डिग्निटी है, उसकी हम इज्जत करते हैं. तो उसके तहत जो हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, ये एक सिविलाइज्ड एक सोसाइटी जो है उसके तहत है. और ये नहीं कि हम कार्रवाई नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सेना एक प्रोफेशनल तौर के ऊपर कार्रवाई करती है और रिटेलिएट करती है और मुंह तोड़ जवाब देती है. ये होता रहा है. जहां तक सवाल है ये आज का जो सीज फायर वॉलेशन हुआ है, इसे आप देखिए, एक जो सीज फायर चल रहा था 27 अक्टूबर के बाद, जबकि दोनों डीजीएमओ के बीच में जब बात हुई है उसके बाद में, और जब डीजीएमओ मिले हैं दोनों दिसंबर के अंदर वाघा बॉर्डर के ऊपर, आपने देखा उसके बाद में ये पहली सीज फायर वॉलेशन है. और ये क्यों हुई? ये इस करके हुई, और इसको मैंने ऑलरेडी डीजीएमओ साहब को बता दिया है कि ये बात करेंगे डीजीएमओ जो हैं जो जो पाकिस्तान के उनके साथ में, और क्लैरिफाई करेंगे ये क्यों हुआ. लेकिन जहां तक सवाल है आज के फायर का, उसमें हमारे जवानों ने बताया है कि तकरीबन 3 टेररिस्ट की हरकत दिखाई दी, और जब हरकत दिखाई देगी टेररिस्ट की हमारी हमारी सीमा में आने के लिए, तो हम मुंह थोड़ा जवाब दें. सवाल है वहां पे किस प्रकार से हमारी नेशनल स्ट्रेटजी जो है वो आप उसके जो जो उसके फेसेट्स हैं, उसके अंग हैं, आप जानते हैं जो जो नेशनल हमारा नजरिया है इसके ऊपर, वो ये हमारी हमारा मुल्क है, ये हमारी रियासत है, हमारी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए. तो उसके तहत ये जो नजरिया है देश का, इसके तहत जो हमारी स्ट्रेटजी है वो नेशनल स्ट्रेटजी, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. उसके अंदर जो फौज है अपना काम अपना अपना टास्क अदा कर रही है.